अमृतसर शहर खालसा कॉलेज के नज़दीक नवे घर तैयार किए जा रहे ने। इस कॉलोनी के अंदर 100 गज से 140 गज के नवे घर तैयार किए गए ने। 100 गज की कोठी का फ्रंट एलीवेशन देखो, बिल्कुल मॉडर्न तरीके नाल बनाया गया है। घर के एंट्रेंस से 8 फुट का गेट लगाया गया है। बड़े आराम दे नाल इहदे अंदर तुसीं अपनी गड्डी पार्क कर सकते हो। काफ़ी अच्छी वड्डी पार्किंग हैगी है। बहुत ही सोहना इस कोठी का लेआउट तैयार किया गया। घर के अंदर एंटर करते लॉबी एरिया, लॉबी एरिया तुसीं अपना डाइनिंग एरिया बना सकते हो। पूरे घर के अंदर तुसीं फ्लोर पर देखोगे तो विट्रीफाइड टाइल लगाई गई है। टैक्चर पेंट का काम किया, डाउन सीलिंग का काम आप जी करके दिता जा रहा है। ड्राइंग रूम की एंट्रेंस से तुसीं देखो बहुत ही सोहना लकड़ का आप जी शोकेस बना के दिता जा रहा है। ड्राइंग रूम के अंदर तुसीं बहुत ही अच्छे तरीके नाल अपना पूरा फर्नीचर सैट कर सकते हो। रूम की बाहरों एंट्री एक्सट्रा आप जी बना के दी गई है। रोशनी वेंटीलेशन लिए विंडो है। काफ़ी अच्छे तरीके नाल पूरा घर तैयार किया गया। अगर आप जी इस घर को खरीदना चाहते हो, वेखना चाहते हो, साढ़े दिते नंबर पर कॉन्टैक्ट करो। इस घर के उपर आप जी 70% का बैंक लोन भी मिल जाएगा। आओ आप जी किचन एरिया चैक करवाइए। किचन के अंदर एलशिप का काउंटर बनाया गया। बहुत ही अच्छे तरीके इस किचन यूज़ कर सकते हो। किचन के अंदर तुम देखो एलशिप का काउंटर है जो पूरा लकड़ का काम आप जी करके दिता जा रहा। डबल बोल का सिंक लगाया गया। रोशनी वेंटीलेशन लिए विंडो हैगी है। क्वालिटी नाल तुसीं देख सकते हो किधर भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया गया। बहुत ही अच्छी ये कोठी तैयार की गई है। आओ आप जी मास्टर बैडरूम चैक करवाइए। काफ़ी अच्छे वड्डे साइज़ का बैडरूम है। इसके अंदर तुसीं अपना पूरा फर्नीचर सैट कर सकते हो। बहुत ही सोहनी डाउन सीलिंग का काम किया गया। बड़े आराम नाल इसके अंदर तुसीं अपना डबल बैड, साइड टेबल और अलमारी बनवा सकते हो। इस तो अलावा ग्राउंड फ्लोर पर एक बैडरूम और दिता गया। उन्होंने चाहे तो तुसीं गैस्ट बैडरूम बना सकते हो, बच्चों का किड्स रूम बना सकते हो। इस कमरे के अंदर भी तुम देख सकते हो एक दीवार से आप जी टीवी पैनल बना के दिता जा रहा है। रोशनी वेंटीलेशन लिए विंडो है। इस कमरे के अंदर भी तुम पूरा फर्नीचर लगा के इनू सैट कर सकते हो। ये कमरे के नाल अटैच आप जी बाथरूम बना के दिता जा रहा है। दोनों कमरों के कॉमन बाथरूम है। डक्ट तो दूसरे कमरे का भी राह जाता है। अगर आप जी इस कोठी वेखना चाहते हो, विजिट करना चाहते हो, साढ़े नंबर दिए गए हैं, उत्ते कॉन्टैक्ट करके साढ़े नाल टाइम सैट करो।